गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? फॉर्मेट फोर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉर्मेट फोर में हम पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में क्या करेंगे हम बेटा, ध्यान से देखो, हम रिलेशंस कैसे निकालेंगे कंस्टेंट के। ठीक है, मान लीजिए कि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है A2 एक्सेलरेशन से और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से। सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये सेंटर है इसका, पुली का, तो हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग की लेंथ आ रही है वो हमेशा उतनी ही रहेगी? जैसे मान लो ये लेंथ पुली के ऊपर स्ट्रिंग की आ रही है, मान लो 0.1 मीटर, तो ये 0.1 मीटर ही रहेगी हमेशा। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिक्स रहेगी। तो लेंथ चेंज कौन सी होंगी? ये वाली और ये वाली, और ये वाली और ये वाली लेंथ मिलाकर भी टोटल कॉन्स्टेंट होंगी। ठीक है ना, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, मान लो ये वाली लेंथ होगी मान लो एक्स वन, और ये वाली लेंथ कितनी होगी मान लो एक्स टू। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स स्ट्रिंग ओवर पुली इज व्हाट टोटल लेंथ, इज व्हाट टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या ये टोटल लेंथ स्ट्रिंग की चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो एक्स वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स वन डी एक्स वन बाई डी टी। एक्स टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी एक्स टू बाई डी टी। और इसका डिफरेंशिएशन तो फिक्स लेंथ है यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग की जो पुली के ऊपर है, जीरो। और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा? जीरो। सही बात है। एक्स वन बढ़ रहा है या घट रहा है? एक्स वन घट रहा है, तो उसके चेंज होने का रेट नेगेटिव होगा और माइनस वी वन होगा। एक्स टू बढ़ रहा है या घट रहा है? एक्स टू बढ़ रहा है, तो उसके चेंज होने का रेट पॉजिटिव होगा। वी टू इक्वल टू व्हाट? जीरो। तो वी वन की वैल्यू किसके ऊपर आ गई बेटा? वी टू की आ गई। और मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया तो डी वी वन बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी टू बाई डी टी इज इक्वल ए वन इज इक्वल टू ए टू। तो मैं समझ में आ गया, पहले भी पता थी मुझे बात, कि जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर जाता है उसी एक्सेलरेशन से नीचे आता है। ठीक है, कैलकुलस मेथड क्या है उसको समझाने के लिए मैंने इजी एग्जांपल लिया आपके लिए। ठीक है, अब मैं सेकंड एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, मान लो ये एग्जांपल है। ठीक है, इसको भी कैलकुलस मेथड में हम सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक, क्या निकालना चाहते हैं? इन तीनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन। मान लो इसकी एक्सेलरेशन ए वन है, इसकी ए टू है, इसकी ए थ्री है। मान लीजिए ऐसा है कुछ कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है ऊपर की तरफ ए वन, इसकी एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ ए टू, और इसकी एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ ही ए थ्री। ग्राउंड के फ्रेम में है। किसके फ्रेम में एक्सेलरेशन है बेटा? ये ग्राउंड के फ्रेम में। मैंने क्या किया, मैंने क्या सिखाया बेटा आपको? फिक्स, ये फिक्स पुली है, यहाँ से ले लो आप, यहाँ से आप ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से आप ले सकते हो। पक्का कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ये फिक्स पुली हो गई आपकी। अब ये लेंथ कितनी मान लो, ये लेंथ मान लो आप कितनी है x1। सही है, ये लेंथ यहाँ से लेकर ये m2 वाले तक लेंथ मान लो x2 है, यहाँ से लेकर m3 वाले तक लेंथ मान लो x3 है, और यहाँ से लेकर पुली के सेंटर तक की लेंथ मान लो x पुली है। पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं? बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। क्या कभी ये लेंथ बदलेगी टोटल? ये देखो जितनी ये लेंथ है ये वाउंड होके यहाँ तक, ये लेंथ तो हमेशा इतनी रहेगी। अरे ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स ही है ना बेटा, ये तो चेंज नहीं होने वाली है। हाँ, इधर से चेंज होगी और इधर से भी चेंज होगी, लेकिन टोटल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अगर ये एक मीटर की तार रस्सी थी तो एक मीटर की तो रहने वाली है जिंदगी भर, चाहे नीचे चले चाहे ऊपर चले। ये टोटल रस्सी की लेंथ कितनी रहने वाली है? एक मीटर ही रहने वाली है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो, x1 प्लस ये कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक x पुली क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है l1 लेंथ, ये l1 लेंथ है स्ट्रिंग। ठीक है, फिक्स रहने वाली है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो dx1 एक्स वन बाई डी टी प्लस, एक काम कर लिया आप, कर लीजिए आप, सारों को नीचे ही मान लीजिए, आसान हो जाएगा आपका सॉल्व करना। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी नीचे मान लीजिए आप a1, पक्का अपने आप आ जाएगा नेगेटिव, हमने सबको ही नीचे मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी एक्स वन बाई डी टी प्लस डी एक्स पुली बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या आ गया बेटा, डी एक्स वन बाई डी टी, एक्स वन बढ़ रहा है, एक्स वन बढ़ रहा है तो उसका चेंज होने का रेट पॉजिटिव हुआ, उसके चेंज होने का रेट क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ वी वन। और ये क्या हुआ, एक्स पी भी बढ़ रहा है, एक्स पी के चेंज होने का रेट क्या हुआ मान लो? पॉजिटिव हुआ वी पी।
एक बार लिख लेते हैं हम, ठीक है। फिर इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये ए वन आएगा, ये क्या आएगा, ए पी आएगा। जीरो आ गया कि नहीं आ गया, पक्का सही है, दो बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। सिमिलरली ये स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ है यहाँ से लेकर ये घूम के यहाँ तक, ये हमेशा उतनी रहने वाली है। मान लो ये धागा 2 मीटर का है तो 2 मीटर का ही रहने वाला है ना, उसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ये 2 मीटर का रहने वाला है तो बहुत ध्यान से देखो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये तो एक्स पुली है और ये एक्स टू है, तो ये कितनी हुई, एक्स टू माइनस एक्स पुली, लिख लो एक्स टू माइनस एक्स पुली, ये लेंथ। ये लेंथ कितनी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स थ्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स पी है, तो ये कितनी एक्स थ्री माइनस एक्स पुली इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और दो बार डिफिनिशन मार दिया मैंने, दो बार लगातार, तो ये क्या बन गया, ए टू माइनस ए पी प्लस ए थ्री माइनस ए पी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, सही है। तो ए टू प्लस ए थ्री, ए टू प्लस ए थ्री कितना आ गया बेटा, ए टू प्लस ए थ्री आ गया टू टाइम्स ए पी, टू टाइम्स ए पी, और ए पी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए वन, कितनी है माइनस ए वन, तो कितना आ गया बेटा, ए टू प्लस ए थ्री, ये माइनस टू ए वन हो जाएगा, उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस टू ए वन इक्वल टू जीरो, सही बात है, पक्का बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर सारी एक्सेलरेशन कहाँ मानी है, नीचे मानी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है एकदम, बिल्कुल आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो दोनों समझ में आ गए आपको। अब एक तीसरा बताता हूँ मैं आपको, ओके बच्चों, अब थर्ड मेथड, थर्ड से करेंगे हम, थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे कैलकुलस मेथड से ही, ठीक है। हमें यह करना है, ये दे रखा है बेटा एक पुली, ये पुली, ये पुली, ये ब्लॉक और ये तीन स्ट्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ब्लॉक्स का। सबसे पहले तो मैं कंस्टेंट लगा लेता हूँ, ए वन ए टू में रिलेशन निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे बेटा, मैंने आपको पहले भी सिखाया है, ये आप मानेंगे लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको मानिए आप x2, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मानिए आप, ये यहाँ तक x1, ठीक है, ये मानिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक x3, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली पुली का मानिए आप x4, ऐसे चार मान लिया, सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे कर सकते हैं आप, बोलो। तो मुझे सिंपल सी बात आइए, ये धागा देखिए, एक धागा, एक धागा देखो, ये तो एक कंटिन्यू धागा है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, सही है, एक धागा ये हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक धागा ये हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक धागा ये हो गया, तीन धागे हैं, क्या है, तीन धागे। तो पहले धागे की बात करते हैं, पहले धागे की लेंथ कितनी है, एक्स टू तो इधर से है, पहले धागे की लेंथ एक्स टू इधर से है, ठीक है, ये तो हम निगलिजिबल मान रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन करके जीरो ही हो जाता है ये वाला लेंथ हमेशा, है ना, इसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स टू है, ये कितनी है, ये एक्स थ्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एक्स थ्री, तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू, मान लो पहला धागे की लेंथ है एल वन, ठीक है, ये वाला धागा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये एक्स टू है भाई, ये एक्स थ्री है, तो यहाँ से यहाँ तक की धागे की लेंथ हुई एक्स टू माइनस एक्स थ्री, ध्यान से देखा करो, गड़बड़ नहीं करनी है, प्लस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स फोर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स थ्री है, तो ये लेंथ कितनी हुई, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, ये धागा की लेंथ हो गई एल टू, सही है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है, देखो ये एक्स टू है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक्स फोर, तो ये कितना हुआ, एक्स टू माइनस एक्स फोर, प्लस ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ एक्स वन माइनस एक्स फोर, सही है, इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ थ्री, पक्का। मैंने दो बार डिफरेंशिएट किया लगातार, तो यहाँ मुझे मिला ए टू प्लस ए थ्री बराबर अंडा, यहाँ मुझे मिला, देखो ध्यान से देखो, ए टू प्लस ए फोर माइनस टू ए थ्री बराबर अंडा, यहाँ मिला x2 प्लस x1 यानी a1 प्लस a2 प्लस a1 माइनस टू ए फोर बराबर अंडा, मुझे मिला कि नहीं मिला, मुझे रिलेशन निकालना है a1 और a2 में, ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। जब मुझे a1 और a2 में रिलेशन निकालना है तो मुझे a4 और a3 गायब करना है,
कोई बात नहीं। सबसे पुरंता बात, ए थ्री की वैल्यू है माइनस ए टू, यहां पुट कर दो। जब ए थ्री की वैल्यू यहां माइनस ए टू पुट करोगे तो कितना आएगा, ए टू तो ये है ही है, और जब यहां माइनस ए टू पुट करोगे तो ए टू प्लस टू ए टू हो जाएगा, थ्री ए टू, तो कुल मिला के आ जाएगा थ्री ए टू प्लस ए फोर बराबर अंडा, सही है। अब ए फोर क्या है, माइनस थ्री ए टू, ए फोर की जगह डालेंगे माइनस थ्री ए टू, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो ए टू प्लस ए वन माइनस टू माइनस थ्री ए टू बराबर अंडा, तीन दूनी छः माइनस माइनस प्लस, सिक्स ए टू और ए टू सेवन ए टू प्लस ए वन बराबर जीरो, तो सेवन ए टू इज इक्वल टू माइनस ए वन, ये आंसर आ गया। कहने का भाव ये है कि नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि दोनों ब्लॉक एक साथ नीचे नहीं जा सकते, एक ऊपर जा रहा होगा तो एक नीचे आ रहा होगा, पहली बात। और अगर a1 अगर मान लो ये नीचे जा रहा है एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर उठ रहा है सात मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, ही तो मतलब हुआ। और अगर ये दो से नीचे जा रहा है तो ये किससे ऊपर उठ रहा है, चौदह से। ये तीन से नीचे आ रहा है तो ये किससे ऊपर उठ रहा है, इक्कीस से। अरे बोलो ना, रिलेशन निकाल लिया ना मैंने। और एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर उठ रहा है, ये कैसे पता चला, नेगेटिव से, सही है, पक्का। एक बात तो ये हुई। अच्छा, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि इक्वेशंस बना दो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ। आप क्या करते हैं, टेंशन डबल टेंशन, ऐसी तो करते सिखाया था, डबल टेंशन। फिर यहाँ करते डबल टेंशन, यहाँ भी डबल टेंशन, फिर चार गुना टेंशन, फिर चार गुना टेंशन। अरे बताया था ना, ये टूटी टूटी फोर्टी नीचे ऊपर बराबर होते हैं, पुली मासलेस है, भूल गए सब कुछ। ये फोर टाइम टेंशन, ये फोर टाइम टेंशन। इसका ब्लॉक का वेट लग रहा है नीचे एम टू जी, इस ब्लॉक का वेट लग रहा है नीचे एम वन जी, तो बना सकते हैं इक्वेशन बना सकते हैं। फिलहाल मैंने दोनों के लिए नीचे ले रखा है, तो इसको नीचे लेके आने वाला कौन है, एम वन जी, रोकने वाला कौन है, टी इज इक्वल टू एम वन ए वन, ए इक्वेशन ये होगी इक्वेशन नंबर वन। इसको नीचे लेके आने वाला कौन है, एम टू जी, इसको रोकने वाला कौन है, टी 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 टू टी थ्री टी और फोर टी सेवन टी मास एम टू एक्सेलरेशन ए टू, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। वेरिएबल कितने हैं, ए वन ए टू और टी, ए वन ए टू टी आर वेरिएबल्स। तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होती हैं, तीन, तो दो तो ये रही और तीसरी ये रही ना, तो हम प्रॉपर एक्सेलरेशंस भी निकाल सकते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी, अगर हमें डाटा गिवन हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आसान है। तो ये थर्ड हो गया, ठीक है बच्चों, एक ये थर्ड लेके आया हूँ, फोर्थ लेके आया हूँ, इसको हम पहले कर चुके हैं किसी और फॉर्मेट से, ठीक है ना, अब हम कैलकुलस फॉर्मेट से करेंगे इसको, कैसे डील करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने क्या मान लिया बेटा, इसको डॉट 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 गिराओ, इस लेंथ को मान लिया मैंने एक्स, समझ में आया, इस लेंथ को मैंने मान लिया वाई, समझ में आया, और इस टोटल लेंथ को मैंने मान लिया एच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो लेंथ है ये लेंथ हमेशा फिक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो इसको हम निगलिजिबल मान रहे हैं, या फिर अगर लिखते भी हैं तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है, मैं लिख ही नहीं रहा हूँ इसीलिए। सबसे पहली बात, स्ट्रिंग की लेंथ देखो, स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये भी स्ट्रिंग है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जीरो ही आएगा ना, आपको पता है। तो सबसे पहली बात वाई प्लस, ये लेंथ कितनी है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल एच है भाई, ये कितना है एक्स है, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। अरे यहाँ से यहाँ तक ये एच है, ये एक्स है, तो यही तो आएगा, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी टोटल लेंथ हो गई एल। आप ये भी लिख सकते हो, इसमें काउंट कर सकते हो, इसको मान लो एक्स ऑफ स्ट्रिंग ओवर पुली एल, तो वैसे भी जीरो है इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन भी जीरो है। अब वाई घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो वाई घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव, ठीक है, तो कर दो डी वाई बाई डी टी लिख लेते हैं, चलो प्लस ये क्या लिखा हुआ है
एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो x की पावर n वाला रूल लगा दो, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, यही रूल होता है, बोलो यही तो रूल होता है ना बेटा। तो जब ये पावर 1/2 है बाहर आएगी तो क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1। और मैंने चेन रूल बताया था, चेन रूल इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन भी तो करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, फिर चेन रूल इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा dx/dt प्लस स्ट्रिंग ऑफ पुली का 0 और l का भी 0। बोले समझ में आया यहाँ तक? सबसे पहले तो मैंने यहाँ ये रूल लगाया, उसके बाद अंदर वाला डिफरेंशिएशन किया तो एच स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x को डिफरेंशिएशन किया तो dx/dt, सही। अब dy/dt है -v2, देखो dy/dt -v2 को भी घट रहा है 1/2, ये पावर -1/2 लिखी है, पावर -1/2 का मतलब नीचे आ गया एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x लिखा है तो 2x, और dx/dt कितना होता है dx/dt, x बढ़ रहा है घट रहा है, ये ब्लॉक उधर जा रहा है तो x बढ़ रहा है घट रहा है, x तो बढ़ रहा है ना, तो प्लस v1, पॉजिटिव का v1 प्लस 0 = 0, यही तो आएगा, 2 ने 2 को मार गिराया। ध्यानपूर्वक देखो, ये x अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos थीटा ही तो लिखा है, तो कितना आ गया, इधर ले जाओ इसको, तो v1 के साथ लिखा है cos थीटा = v2, मैंने पहले भी तो आपको ये निकाल के दिखाया था, बोलो बेटा यही तो सिखाया था मैंने पहले भी आपको, याद आया आपको, आसान है एकदम, कर पाओगे इसको, बिल्कुल कर पाओगे। चलो बेटा देखते हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, वर्चुअल वर्क मेथड कंस्टेंट लगाने के लिए एक फॉर्मेट पढ़ेंगे। क्या है इसमें, सबसे पहली बात मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ आपको, एक सिंपल सी ट्रिक सिखाता हूँ, चलो एक सिंपल सी ट्रिक सिखाऊँ सभी बच्चों को, कौन कौन सीखना चाहता है, सिंपल सी बात बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक सिखाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा, तभी आप ट्रिक सीख पाओगे, वरना आप ट्रिक नहीं सीख पाओगे। वर्क अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, शायद आपको पता भी होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट वाला, ए बी कोस थीटा, ठीक है, पक्का वर्क निकालने का तरीका है ये। अब एक बात बताओ, ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, सिंपल सी बात था ना, ये नीचे गया कितना एक्स, तो ये ऊपर गया कितना एक्स, मानते हो, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे, अब सिस्टम में कौन कौन है, सिस्टम में एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, सही है, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, ये ब्लॉक ऊपर गया है और ये ब्लॉक नीचे गया है, ठीक है, तो इस ब्लॉक का अगर टेंशन का वर्क लिखूंगा, वर्क डन बाय टेंशन ऑन M1, तो फॉर्मूला होता है T.x, ठीक है, फोर्स टेंशन हो जाएगा ना, अब टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, क्या करोगे T x cos 0 degree, क्यों cos 0 degree, क्योंकि दोनों ऊपर है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन M2 T.x, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो T x cos 180 degree, ये बन गया TX, ये बन गया -TX, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम, सिस्टम मतलब दोनों, कितना आ गया TX - TX
जीरो आर, क्या आ गया बेटा जीरो। तो टेंशन का वर्क सिस्टम के ऊपर हमेशा जीरो होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, पेयर में, ठीक है बेटा। तो टेंशन का वर्क सिस्टम के ऊपर क्या होता है, जीरो होता है। तो अब आगे से क्या लिखोगे आप, समीशन टेंशन डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। समीशन मतलब कई सारे हो सकते हैं ब्लॉक, एक दो तीन चार, चार है तो चारों का लिखेंगे और सबको समीशन करेंगे, जीरो का वर्ग करेंगे। जैसे यहाँ पर किया, एक टी एक्स था, दूसरा माइनस टी एक्स था, अरे बोलो सही है। तो समीशन टी डॉट एक्स क्या होगा, जीरो। समीशन टी डॉट एक्स क्या होगा, जीरो। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो समीशन टी डॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी जीरो होगा, सही है। तो क्या होगा, समीशन टी डॉट वी जीरो। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो समीशन टी डॉट वी का डिफ्रेंशिएशन ए होगा, समीशन टी डॉट ए भी क्या होगा, जीरो। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी ये लगाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी ये लगाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी ये लगाएंगे। अरे बोलो समझ में आया, समीशन टी डॉट एक्स जीरो, समीशन टी डॉट वी जीरो, समीशन टी डॉट ए जीरो, सही है। एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बता दूं, यहां पर और यहां पर, जब यहां से यहां मैं कन्वर्ट कर रहा हूं डिफरेंशिएशन में, ध्यान से देखो, तो मैं टी को ऐसे लिख रहा हूं, डॉट को ऐसे लिख रहा हूं, एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, जबकि मैंने यहां पे पूरे नंबर का डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। इसका मतलब थीटा टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, थीटा टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर थीटा टाइम के साथ चेंज होगा तो यहां पर खाली एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है कोस थीटा, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा और ये नंबर नहीं आएगा तब। समझ में आ रही है मेरी बात, पक्का क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीशन टी डॉट एक्स जीरो, समीशन टी डॉट वी जीरो, समीशन टी डॉट ए जीरो। सिमिलरली यहाँ से यहाँ करूँगा तो जब मैं वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैंने डिफरेंशिएट तो इस पूरे नंबर हो गया, ठीक है। तो टी का डिफरेंशिएशन वही का, टी वैसे का वैसे ही आ गया, डॉट प्रोडक्ट में एंगल होगा वो भी वैसे का वैसे ही आ गया, वी का डिफरेंशिएशन हुआ खाली, इसका मतलब वो ऐसे के वैसे ही आने का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट आने का मतलब क्या है, नहीं चेंज कर रहा टाइम के साथ एंगल। समझ में आई, एंगल टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, तब लगा सकते हो आप ये चीज़, ठीक है। तो समीशन टी डॉट एक्स जीरो, समीशन टी डॉट वी जीरो, समीशन टी डॉट ए जीरो आप लगाएंगे। तो अब कैसे लगाएंगे मैं वो सिखाता हूँ आपको, ठीक है, वेरियस एग्जाम्पल्स लेके, ठीक है। वन बाय वन एग्जाम्पल लेने शुरू करते हैं, आपको समझ तो आ ही गया होगा मैंने क्या बताया। तो ट्रिक क्या है वर्चुअल वर्क मेथड की, ट्रिक क्या है वर्चुअल वर्क मेथड की, ट्रिक ये है कि समीशन टी डॉट एक्स जीरो है, समीशन टी डॉट वी जीरो है, समीशन टी डॉट ए जीरो है। और एक बता दूं, ये एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों ग्राउंड, तीनों के तीनों ग्राउंड के फ्रेम में ले रहे हैं हम, किसके फ्रेम में हैं, ग्राउंड के फ्रेम, ठीक है। एक बात ये भी पता होनी चाहिए आपको, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने क्या किया, ये पकड़ा, ये ऐसे ले लिया, फिर ये एक ब्लॉक लगाया, ठीक है, और इसको एक काम किया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, और इधर ये ब्लॉक लगा दिया। आसान है, कुछ भी नहीं करना, क्या करेंगे आप, ठीक है। इसको नाम दे दो M1, इसको नाम दे दो M2। मान लो कि ये A2 एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है और मान लो ये A1 एक्सीलरेशन से ऊपर आ रहा है, ठीक है, पक्का। सबसे पहला काम होगा आप टेंशन बनाएंगे, टेंशन 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 डबल टेंशन, पेयर बना दिया, डबल टेंशन, दो ही दागा है ना सेम, इसलिए वही टेंशन आ रही है इधर, डबल टेंशन, सही है। मैं लगाऊंगा इसको, ये लगाऊंगा मैं इसको, ठीक है। जब मैं ये लगाऊंगा तो ध्यान से देखो, टी और ए, सबसे पहले मैं इसको पकड़ूंगा, इस वाले को देखो, इस पे टेंशन किधर है, ऊपर, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर। तो जब लगाऊंगा टी ए वन कॉस जीरो डिग्री, अरे एक बॉडी होगी कि नहीं होगी, खत्म। अब आएगी दूसरी, समीशन का मतलब प्लस, इस पे देखो, इस पे टेंशन कितनी है, 2t और t, 3t, कहाँ, ऊपर, 3t,
एक्सेलरेशन कहाँ है? ए टू कहाँ? नीचे, कॉस 180 डिग्री, ये दो ही तो है, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर दो ही तो है। तो टी ए वन माइनस थ्री टी ए टू, क्योंकि कॉस 180 डिग्री वन होता माइनस वन होता है, तो ए वन आ गया थ्री ए टू। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे गया तो ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। अरे सही है ना, रिलेशन पता लग गया। अब सिंपल अगर इक्वेशन बनानी है तो वही बना सकते हो, एम वन जी एम टू जी। चलो इसको चलाने वाला कौन है? एम टू जी। रोकने वाला कौन है? टी और टू टी थ्री टी। नेट फोर्स, मास कितना है? एम टू। एक्सेलरेशन कितना है? ए टू। कर सकते हो, ये ऊपर जा रहा है, इसको चलाने वाला ऊपर, चलाने वाला कौन है? टी। रोकने वाला कौन है? एम वन जी। मास एम वन, एक्सेलरेशन ए वन। फिर से एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। तीन ही वेरिएबल है, टी ए वन ए टू, तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन। सॉल्व गेट गेट आंसर, समझ में आया? यही तरीका लगाएंगे हम बार 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 बार। ठीक है बेटा, अब इसी फॉर्मेट के ऊपर, वर्क वर्चुअल मेथड के ऊपर ही मैं सेकंड एग्जांपल लेकर आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? टेंशन 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 डबल टेंशन डबल टेंशन, वही सेम धागा है, डबल टेंशन डबल टेंशन डबल टेंशन डबल टेंशन, चार गुना टेंशन चार गुना टेंशन, सेम धागा है, चार गुना टेंशन और सीलिंग पे चार गुना टेंशन, चार गुना आठ गुना टेंशन और ये ब्लॉक पे आठ गुना टेंशन। ऐसे ही करोगे ये तो बना ही लोगे भाई, इसमें तो कोई मैंने बहुत बड़ा काम किया ही नहीं है। ठीक है ना, अब समीशन टी डॉट ए जीरो क्या करोगे? दो ब्लॉक है सिस्टम में, एक ये और एक ये। अच्छा इसको देखो, टेंशन कहाँ लग रही है? ऊपर। एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। तो टी ए वन कॉस जीरो डिग्री, बहुत सुंदर। इसको देखो, इस ब्लॉक पे टेंशन कहाँ लग रही है? एट टी, कहाँ? ऊपर। ये ब्लॉक जा कहाँ रहा है? नीचे। एट टी ए टू और एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, इज इक्वल टू जीरो। टेंशन टेंशन, ये बना ए वन, ये माइनस ए टू ए टू, तो एट ए टू आ गया, आ गया रिलेशन। कहने का मतलब अगर ये एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे गया तो ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। सही है, और अब फिर आप वो भी बना सकते हो, इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज निकालने के लिए क्या करोगे? नीचे एम वन जी इक्वेशन ही बना सकते हो, नीचे एम टू जी। अब ये नीचे जा रहा है, इसको नीचे लेके आने वाला कौन है? एम टू जी। रोकने वाला कौन है? आठ गुना टेंशन, मास एम टू, एक्सेलरेशन ए टू। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर चलाने वाला कौन है? टेंशन। रोकने वाला कौन है? एम वन जी, मास एम वन, एक्सेलरेशन ए वन। नेट फोर्स है ना, ये नेट फोर्स है ऑन एम टू, ये नेट फोर्स है ऑन एम वन, और नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। टेंशन ए वन ए टू, तीन वेरिएबल, इक्वेशन कितनी है? एक दो और तीन। सॉल्व एंड गेट आंसर, बहुत आसान हो गया। एक और कराता हूँ।